भैया जी, इतनी ज्यादा उंगलियां भी मत घुमाओ, हस्त रेखा ही ना मिट जाए। हम जो काम करते हैं फुल प्रूफ करते हैं। अरे भैया जी, ये बात बताओ, क्या लग रहा है आज इन दोनों का काम हो जाएगा? काहे नहीं होगा बे? ना हो जाएगा, परंतु मतलब हमें तो अरे कितनी बार बोले, ये खोपड़िया में तबला ना बजाए, अरे बाल खराब हो जाता है, समझते हो मतलब? अरे स्टाइल है हमारा यार, है? अब बनाएगा कौन? कौन हो सकता है? रुको बंटी, बोलो तुम। बोलो तुम लोग, हाँ? अभी बता सकते हो? छोड़ दे, मैं छोड़ मुझे। कौन हो तुम लोग? अभी बताते कौन है। गोरा तुम लोग, अबे चुप रहो, छोड़ो मुझे। कुणाल, कौन है तुम लोग? कुणाल, पकड़ उसे। चल, कौन है तुम लोग? चल, कुणाल, कुणाल, चल। यहाँ मिलेगा? इस रात के सन्नाटे में उल्लू भी नजर नहीं आ रहा। अरे भैया जी, भरोसा रखो, शिकार मिलेगा, खबर पक्की। आधे घंटे से हम यहाँ बैठे खुजा रहे हैं। मतलब भैया जी, केस नंबर 157। चल।
सुबह बुलाता हूँ मैकेनिक को, फिर देखते क्या होता लगता है। इनमें से होगा किसी के पास 20 लाख? किसी एक के पास तो होगा। अरे भैया जी, पता कैसे करेंगे किसके पास है? भाई अपने तरीके से। अरे क्या कह रहे हो भैया जी, ये मतलब अपने तरीके में ना जरा कंट्रोल रखना है। जवान से जाए तो हाथ चलते हैं आपके, नहीं ससुर को ये ना लग जाए हम पुलिस वाले, समझ रहे हो? वही तो मैं चाहता हूँ। हैं? अच्छा जी। भैया जी सच का है, तुम्हारी सी चाहत का तो कायल है। क्या लोमड़ी क्या कल पायो। उन चारों को ना ऊपर पहुंचो। ऊपर? ऊपर? और हम ना 1 घंटे में अभी आते हैं। अभी लो भैया। स्माइल करना। माई अब ना बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला दे। तेरी पसंद का लिट्टी चोखा बनाया है मैंने, तू हाथ में धो के आ जा, मैं परोसती हूँ। अरे वाह, मेरी माई बेस्ट है। मैं बस अभी आया।
माँ बीस लाख इतना पैसा नहीं है हमारे पास। मेहरारू के जैसे आंसू बहा रहा है, डाल इसके मुंह में पानी। हाँ भैया जी पानी पी डालते हैं। अभी पानी दे, पानी चाहिए जी। ले पानी, पानी बेटे अब प्यास बुझ गई हो तो पता कि आखिरी बार उदय को कब मिला था। भाई 15 दिन पहले, 15 दिन पहले। हम क्या जाने, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। हमारे माँ बाप का मर्डर हो गया है, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए हमें। भैया जी क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे घबरा कर रही हूँ, बाल जला रहे तुम्हारी, उसके बाद कान, फिर चेहरा, उसके बाद तुम्हारा पूरा शरीर स्वाहा। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे प्लीज। तो बोलो 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 बोलो। चलो ठीक है छोड़ दे, पहले ये बताओ कि उदय को आखिरी बार कब मिली थी? 4 दिन पहले पवन के साथ। पवन के साथ? अरे 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 कहा, अरे भैया जी, अरे ये तो, ये ससुरी कह रही है 4 दिन, इसका पति कह रहा है 15 दिन। अरे खोपड़िया घुमा दिए दोनों के दोनों। अरे हमें तो लग रहा साला ससुरा हमारे पुलिस वाले हैं। कौन हो तुम लोग, मुझे क्यों मार रहे हो? छोड़ो मुझे, मेरे दोबारा क्या बिगाड़ा? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बीस लाख मेरे पास 20 लाख नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं तो किराए के मकान में रहता हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे छोड़ दो। छोड़ दे वो जब 20 लाख उदय के घर से डका रहे हो, वो सारा 20 का 20 लाख किराएदार को दे दिए क्या? किधर है 20 लाख? उदय से नहीं मिला मैं, उदय से तो मैं आज तक नहीं मिला, मैं आज तक उदय से नहीं मिला। मेरा विश्वास करो। नहीं, विश्वास करो? कर लिया विश्वास भैया जी, इसका विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन अब हमें लग रहा है कि इसकी महबूबा को बुलाते हैं, उसको बुला के उसकी आंख में मिर्ची डाल देते हैं भैया जी, और जैसे ही मिर्ची डालेंगे महबूबा के मुंह से सारा तन बाहर। देखो देखो तुम रूपाली के साथ कुछ भी नहीं करोगे। उसे कुछ भी नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानती, उसके साथ कुछ मत करो, उसे 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 छोड़ दो, उसे छोड़ दो, उसे छोड़। देख हमारी खोपड़ियां पहले से ही बहुत गर्म, इसीलिए जो कुछ पूछ रहे हैं चुपचाप साफ साफ बता दे। वरना तुझे और तेरे आसिक को मार कर यहीं जला देंगे और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। क्या 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 पूछना है?
20 लाख कहाँ है? देखिए भगवान कसम, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। अरे हम तो पहली बार आप लोगों के मुंह से सुन रहे हैं कि घर से इतने सारे पैसे गायब हैं। हमें कुछ नहीं पता। अच्छा पहली बात सुन रही हो, 20 लाख, क्या बात है, वाह। अच्छा एक बात बताओ, कुणाल तेरा प्रेमी है ना, उसका नाम तो पहले सुनी हो ना। अच्छा सच सच बताओ, वो कभी उदय से मिला है? बोलो 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 बोलो। एक दो बार। वाह भैया जी, एक बात कहें, अरे चारों के चारों को नहीं पता कि 20 लाख गए किस, मतलब चारों के चारों बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। अबे सालो, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, गए किधर? कोरा हमारे मुंह पे झूठ बोल रहा है। बिल? हाँ, मुझसे बिल मांग रहे हो? अबे दिमाग खराब हो गया तेरा, और तेरी हिम्मत कैसी हुई हमसे बिल मांगने की? हाँ देखिए, बिना बिल देखे हम आपको सामान ले जाने नहीं दे सकते। बिल चाहिए ना तुझे? ये ले तेरा बिल। संजय बेटा, संजय बेटा, नहीं जाओ, अपनी जगह पे जाके बैठो, जाओ बेटा, उधर बैठो। माफ कीजिए, बच्चा है वो, हम उनके तरफ से माफी मांगते हैं। देखिए मजबूरी है हमारी, बिना पैसे के आप ये सामान नहीं ले जा सकते। उदय भाई का ही हुक्म है कि बिना बिल के कोई सामान नहीं ले जा पाए, चाहे वो घर वाले हो या बेटी ही क्यों ना। जो मेरे साथ हुआ उसके बाद किसी को भी गुस्सा आएगा। 2% के नौकर ने मेरे पति पे हाथ उठाया, और ये भी सब पापा की वजह से। गलती पवन की है, इसे संजय पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अरे उसने अगर सामान का बिल मांगा है तो मेरे ही कहने पर मांगा होगा ना। पर आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वो इसलिए कि आज से पहले मुझे खबर नहीं थी कि मेरी ही दुकान का सामान ले जाकर आधी दामों में बेच देते हो बाहर, और हर हफ्ते 15 दिन में इतना सामान ले जाते हो तुम लोग। ऐसा करना पड़ता है हमें, आपकी दुकान से जो भी इनकम होती है ना उससे हमें कुछ नहीं मिलता, तो पैसों की जरूरत होती है ना हमें। पैसों की जरूरत पड़ती है तो ये पवन कुछ करता क्यों नहीं है? जब से दुबई से वापस आया है खाली बैठा हुआ है यहाँ। अरे छोड़ क्यों नहीं देती हो ऐसे निकम्मे इंसान को? छोड़ दूं? पति है वो मेरा, और आप लोगों ने ही शादी कराई थी मेरी, भाग के शादी नहीं की है मैंने। अब जो भी है मेरी और पवन की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी को ऐसी एडवाइस देते हुए? और आज के बाद मेरे सामने ऐसी बात हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू मुझे धमकी दे रहा है? तू क्या कर लेगा?
बोल बोल क्या करने लगा, हाँ चल निकल निकल यहाँ से। पापा आप क्या कर रहे हैं, ये कितना दामाद है आपका, आप ऐसे सलूक नहीं कर सकते इसके साथ। निशा चलो यहां से, आज के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। मत आना, मुझे तुम लोगों की जरूरत भी नहीं है। पर मुझे जरूरत है पैसों की। आप लोग एक काम कीजिए, ये दुकान और घर बेच दीजिए और हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए बस। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट से अपना हिस्सा मांग लूंगी। चलो जाने दीजिए ना, दुकान घर बेचकर जितने भी पैसे आते हैं और इनका हिस्सा बनता है दे दीजिए ना। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, और तुम हर मामले में मत बोला करो। जगदीश जी इसका बिल बना। जी उदय भाई, निशा बेटी के साथ जो हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करते, आपने जैसा कहा हमने वैसा किया। जगदीश और कोई रास्ता भी तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं सख्ती नहीं करूंगा तो पवन कुछ भी नहीं करेगा। उसे घर बैठकर खाने की लत लग गई है, वो मेहनत करना ही नहीं चाहता। इसलिए मैंने मार्केट के लिए जो उसूल बनाए अब उसी पर चलेंगे। मैंने भी पानी के पैसे पे किए, अब इस मार्केट के हर सामान का हिसाब रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप चिंता मत कीजिए, आप जैसे चाहते हैं वैसे ही हो। ठीक है तुम बैंक चले जाओ, मैं काउंटर देखता हूँ। ठीक है। आ जाता हूँ मैं, एक घंटे में आ जाऊंगा। संजय बेटा। जी चाचा। इधर आ बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है चाचा, जब से आपने रूपाली दीदी को मैथ्स में मेरी मदद करने के लिए कहा है तब से आसानी हो गई है। शाबाश बेटा, बेटा खूब मन लगा के पढ़ाई करना, तुम्हारी पढ़ाई में जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगा। ठीक है, थैंक यू चाचा। इतने दिनों बाद क्या करूं, गवर्नमेंट जॉब है ना, टाइम ही नहीं मिल पाता है, और जब भी टाइम मिल पाता है तो मैं यहाँ जरूर आती। आप भी तो मार्च से फ्री नहीं हो पाते। ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा उलझन में हूं। फिर से लगता है कोई काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। हम नेक्स्ट टाइम आते हैं। हाँ मैं निकल रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम अपना ये चैप्टर जल्दी खत्म करो, ठीक है?
तरफ अंदर क्या देख रहा? मैक्स की बोलना क्या देख रहा था? बेटा तुम अंदर क्या कर रहे? पापा मेरी फ्रेंड का कॉल आया था तो उससे मिलने जा रही हूँ, इसलिए अंदर चेंज कर रही थी। पर हुआ क्या? पापा क्या कर रहे हो? क्या हुआ पापा? क्या हुआ? मैंने तुझ पर तरस खाकर यहाँ रूपाली से पढ़ने के लिए भेजा और तू रूपाली पर बुरी नजर रख रहा है? निकल यहाँ से। लाइंदा इस घर में कदम रखा ना तो तेरी टांगे तोड़। चल निकल। क्या बात है, बहुत परेशान सी लग रही। आज संजय ने जो हरकत की कहीं उसके वजह से तो कोई परेशानी नहीं? माँ ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं आप लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है बेटा, माँ को नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? बोलना क्या बात है। माँ मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। कौन है वो? कुणाल, मेरे कॉलेज में पढ़ता है। उसका पूरा नाम? हमारी बिरादरी का नहीं है? नहीं, लेकिन वहाँ इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मैं किसी ऐसे लड़के से तेरी शादी नहीं कर सकता जो हमारी जात का ना हो। भूल जाओ उस लड़के को और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन पापा वो मेरे साथ रहने के लिए तैयार है, उसका शहर में कोई नहीं है सिवाय एक बूढ़ी माँ के जो गांव में रहती है। मैं किसी ऐसे लड़के को अपना गवाही नहीं बनाऊंगा जो हमारी जात बिरादरी का ना हो। पापा आप समझ क्यों नहीं रहे, वो सुपरमार्केट में हेल्प कर सकता है, कॉमर्स से पढ़ाई कर रहा है, हमें बहुत आसानी हो जाएगी। सुपरमार्केट के लिए मैं अकेला काफी हूँ, भूल जाओ उसे। मैं नहीं भूल सकती उसे, उससे प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर तूने कुछ भी ऐसा किया जो मेरे खिलाफ हुआ तो मैं तुझे अपनी जायदाद से एक कौड़ी नहीं दूंगा। हार्ट में पेन कब से है? सर जब दुबई में था तब से अक्सर सीने में दर्द होता था, कभी कभी तो सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। डॉक्टर आखिर इन्हें हुआ क्या है? इनकी ईसीजी और बाकी सारे रिपोर्ट्स देखने से पता चलता है कि इनके हार्ट में ब्लॉकेज है, इन्हें पेसमेकर फिट करवाना होगा। डॉक्टर इन सब में कितना खर्चा आ जाएगा? सब कुछ मिला के 7-9 लाख के करीब खर्चा होगा। तुम टेंशन मत लो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। उससे प्यार करती और शादी भी उसी से करूंगी। आप लोग एक काम कीजिए, ये दुकान और घर बेच दीजिए और हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, बस। सुपरमार्केट और घर पर तुम्हारा भी उतना अधिकार है जितना बाकी सब, ना दे तो कोर्ट केस कर देना।
कुणाल उससे कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? पुरखों की संपत्ति पर सबका अधिकार होता है, और वैसे भी ये जायदाद तुम्हारे दादा की है। नहीं थी। क्या मतलब थी? मतलब ये कि दादाजी ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद पापा को बेच दी थी कि वो मरने से पहले धर्मशाला और मंदिर बनवाए, इसलिए उन्होंने पापा के हाथों अपनी दुकान और घर बेच दिए। तब तो एक ही रास्ता है। ये बैग क्या है इसमें? देख लो। इतने सारे पैसे? हाँ, 20 लाख है। 20 लाख? मैंने दुकान का सौदा 2 करोड़ कर दिया है, मकान भी बेच दूंगा और दोनों बेटियों को उनका हिस्सा देकर मैं चैन से रहूंगा। ये आपने सही नहीं किया। रोज रोज के झगड़े अच्छा है, दोनों बेटियों को उनका हिस्सा देकर मैं चैन से रहूं, और रूपाली को भी जहां शादी करनी है वो करे और खुश रहे, हम भी चैन से रहे। देखिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरा मानना है कि आप एक बार फिर से विचार कर लीजिए। उदय भैया, उदय भैया, ओ उदय भैया, दरवाजा खोलिए, हम हैं गोपाल। अरे दूध नहीं लेना है क्या? दरवाजा खोलिए। दरवाजा खुला है क्या? खून, खून! अरे उदय भैया का किसी ने खून कर दिया है। अरे कोई है? बॉडी का उधर भी भीतर है शायद। सर लगता है कोई लूटपाट के इरादे से यहां आया होगा। मैं हर रोज इसी समय चाबी लेने आता हूं दुकान खोलने के लिए, आज आया तो पता चला होता है उसका मन। हाँ संभालिए अपने आप को। दुकान कहाँ? पुराने चौक के पास पोस्ट ऑफिस के सामने जो सुपरमार्केट है वो उदय भाई की। कब से काम करते हैं? मैं उदय भाई बचपन के दोस्त थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे। किसी से कोई दुश्मनी? उदय भाई की किसी से नहीं, बहुत सच्चा नाम था उदय भाई। अच्छा
और कौन कौन रहता है घर? उनकी दो बेटियां, छोटी रूपाली, बड़ी निशा। निशा बिटिया की शादी हो गई है, अपने पति के साथ वो इसी शहर में रहती है। और रूपाली वो इसी घर में रहती? जी हाँ, कॉलेज जाती है, 6 बजे निकल जाती, मैंने फोन कर दिया, वो आती हो। और यहाँ पड़ोस में किसी ने किसी को आते जाते देखा हो? हाँ साहब, अभी कुछ देर पहले एक लड़की को मैंने उदय भैया के घर जाते हुए देखा। हाँ, उसके कंधे पे एक पोलियो ड्रॉप का बॉक्स था, मैंने वही सोचा उनके घर पे तो कोई बच्चा है नहीं, वो वहाँ क्या करने गई है। सर मुझे लगता है काम उसी लड़की ने किया, जरूर वो किसी लुटेरे गैंग की रही होगी। अगर ये कांड लूट के इरादे से किया गया होता तो उदय की पैंट क्यों खुली थी? अरे हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि उन दोनों का आपस में कोई चक्कर रहा हो। होने को तो एक और डेड बॉडी है। क्या? जी सर। अरे जाने दीजिए हमें, वो हमारे मम्मी पापा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं जा सकता। नहीं, मुझे देखना है। एक मिनट, अंदर फोरेंसिक टीम अपना काम कर रही, जब तक काम नहीं हो जाता कोई अंदर नहीं जा सकता। प्लीज। अब इसे जानती है। नहीं सर, कौन है ये? इसकी डेड बॉडी भी आपके घर से मिली है। सर अभी तक तो हम यही समझ रहे थे कि कोई लड़की पोलियो ड्रॉप पिलाने के इरादे से घर में घुसी और मर्डर और लूटपाट करके चली गई, लेकिन कुसुम का भी मर्डर हो गया। सर कहीं ये मर्डर कुसुम और उदय के रिश्ते को लेकर तो नहीं हुआ, क्योंकि उदय की पैंट खुली हुई है और आपने देखा कुसुम की मांग भरी हुई, मतलब साफ है कि कुसुम शादीशुदा थी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुसुम का पति उसे ढूंढता हुआ यहां तक आया और उसने सबको मार दिया। एक प्लेट लिट्टी चोखा देना। क्या नाम है? त्रिलोचन पांडे भैया जी। सत्तू तो नहीं कम डाले? नहीं नहीं, सत्तू एकदम बराबर है, एकदम बराबर। दरवाजे पे तो ताला लग रहा है, लगता है घर पे कोई है नहीं। रोज लगाते हो? जी भैया, सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक लगाते हैं। वहां सामने घर में जो लोग रहते हैं कहां गए हैं पता? भैया जी वहां पे तो कुसुम अपने पति के साथ रहती है, हॉस्पिटल में काम करती है ना। एक बात बता, वो तेरी वो कुसुम मैडम अस्पताल में काम क्या करती है? जी नर्स है, गली गली घूम के बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाती है। आखिरी बार कब देखा था? कल रात को जब अपने घर आई थी, उसके बाद नहीं देखा। और उसका पति, उसे भी नहीं देखा? वो तो अक्सर जेल में रहता है सर। अच्छा, नाम क्या उसका? लघु, एक नंबर का गुंडा है। गुंडा
अभी कुछ दिन पहले मर्डर किया है उसने, अभी जेल में बंद है। क्या बात है, काहे इतनी पूछताछ कर रहे हैं आप लोग? कुसुम का मर्डर हो गया और उसके साथ ही एक उदय नाम के शख्स और उसकी पत्नी का भी। ये फोटो देख, ये आदमी को तो हम अक्सर यहाँ आते जाते देखते हैं। भैया जी हमको तो लगता था कि दोनों में कोई ना कोई चक्कर जरूर है। जब से रघु गया था ना जेल, तब से ये आदमी अक्सर आने लगा था। अच्छा बना है, फिर आता हूँ। सर जी मुझे तो लग रहा है ये मिट्टी वाला सही बोल रहा है, जरूर कुसुम और उदय का ना चक्कर हो, इसीलिए दोनों मारे गए। और साथ में उदय की बीवी उषा भी निपट गई। पता लगाओ रघु जेल में है या बाहर। सभी एपिसोड्स देखने के लिए डाउनलोड करें अतरंगी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से बिल्कुल मुफ्त।